नमस्ते दोस्तों, आपने मार्केट में तो गाजर का हलवा बहुत खाया होगा, लेकिन उसमें मावा और घी इतना ज़्यादा होता है कि हमें थोड़ा जी खराब होने लगता है। मैं आज आपको बताऊंगी घर पे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा बिना मावे और बिना घी का गाजर का हलवा बनाने का तरीका। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखें आप ताकि आपको हर बात समझ में आ सके। इसलिए हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको 1 किलो गाजर के हलवे के हिसाब से बता रही हूँ। ये मैंने 750 ml दूध लिया है और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये मैंने 1 किलो गाजर ली है, इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। बिल्कुल लाल गाजर लें ताकि उसका कलर अच्छा आए। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। अब हम इसको छील लेंगे इस प्रकार से, और ये जो आगे का जो हिस्सा है वो हटा देंगे। अब हम इसे कसेंगे। जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे मोटा वाला, उसके अंदर हमें इसे कसना है। बारीक में अगर हम कसेंगे तो हलवा खिला खिला नहीं बनेगा, इसीलिए बड़े वाले हिस्से में इसे कसें। और साइड में हम दूध भी संभालते रहेंगे। इसे धीमी आंच पे, इस अच्छी उबाल आ जाए तब इसको धीमी आंच में उबलने दें, तब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए थोड़ा। ये मैंने सारी गाजर अच्छी तरह से कस ली है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई थोड़ी बड़ी लें, और जो बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा जो चूल्हा होता है, बर्नल होता है, उसके ऊपर हमें इसे चढ़ाना है। वो तेज आंच पर ही इसे हमें बनाना है। या हम सारी गाजर इस कढ़ाई में डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे गाजर को कढ़ाई के अंदर, और जो इसके अंदर पानी है वो गाजर ही सोख ले, जब तक हमें इसे चलाते और पकाते रहना है। बीच बीच में चलाना है, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस बीच बीच में चलाना इसलिए ज़रूरी है ना, ताकि नीचे जो तलवा है उसमें ये चिपक ना जाए। आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये पानी आ रहा है, बस इसको सूखने देना है हमें। अब ये पानी पूरी तरह से सूख चुका है, अच्छी तरह मिक्स कर ले। और मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ, मैं इसके अंदर मिश्री डाल रही हूँ। मैंने जो धागे वाली मिश्री होती है उसे कूट के मिक्सी में पीस लिया है। 1 किलो गाजर के अंदर पाव भर मीठा डलता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कभी भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में बनाएं तो ये हिसाब रहता है इसका। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो मिश्री की जो चाशनी बनेगी उसके अंदर इसे पकाना है हमें। अब उसे भी हम, जैसे हमने पानी में पकाया, पानी सूख गया, उसी प्रकार जैसे चाशनी सूख जाएगी तब तक इसे तेज आँच में पकाना है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये चाशनी है मिश्री की, ये इसके अंदर गायब होनी चाहिए। हम बीच में और चला लेते हैं इसको एक बार। देखिए, आपको अभी भी दिख रहा होगा पानी आ रहा है ऊपर। अब इसमें डालने के लिए हमें ड्राई फ्रूट भी चाहिए होंगे। ये मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप चाहें तो पिस्ता, अखरोट वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। और इनके मैं छोटे छोटे टुकड़े करूँगी, पीसना नहीं है हमें। आप चाहें तो फोड़ लें, और नहीं तो इसके चक्कू की सहायता से इसके टुकड़े कर लें। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ इस प्रकार से इसके टुकड़े करने हैं हमें। आप जितना चाहे जितने ले सकते हैं काजू बादाम। ये मैंने काजू और बादाम दोनों के टुकड़े कर लिए हैं। अब एक बार हम हलवे को भी चला लेते हैं, कहाँ तक पानी सूखा है इसके देख लें। अब इसमें पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब इधर ये दूध भी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। आप जो दूध लें तो फैट वाला दूध लें, उससे वो गाढ़ा अच्छा आ जाएगा। और जब ये उबले तो इसके साइडों में जो मलाई लग जाती है उसको किसी चम्मच या चाकू की सहायता से हटाते रहें और दूध में ही मिक्स करते रहें उसे। ये देखिए, मैं चाकू की सहायता से आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सारी मलाई हट चुकी है, आपको दिख रही होगी। देखिए, तो आप चाकू की सहायता से हटाएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। अब ये दूध पूरी तरह से हलवे में डालने के लिए तैयार है, दिख रहा होगा आपको। देखिए कितना गाढ़ापन आ चुका है इसके अंदर। अब हम इसे हलवे में डालेंगे। पहले अच्छे से हलवे को हम एक बार चला लें, उसके बाद में दूध डालें। ये देखिए, बिल्कुल गर्म दूध है ये, इसलिए सावधानी से डालें। अब इसको डालते ही हमें हलवे को भी चलाना है। आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल मार्केट जैसा कलर आ जाएगा, जैसा मार्केट में हलवा मिलता है उसी प्रकार का। मैं आपको लगातार ही वीडियो बता रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि मार्केट जैसा हलवा हम घर पर ही कैसे बिना मावे के और बिना घी के बना सकते हैं।
आप चाहें तो इसमें एक दो चम्मच घी ऐड कर सकते हैं, मैंने कोई घी नहीं डाला है। देखिए जैसे वाइट दाने मार्केट में नज़र आते हैं मावे के, हमें दूध से ही किए हैं। ड्राई फ्रूट डाल देंगे, पूरे ड्राई फ्रूट ना डालें, थोड़े से हम ऊपर से भी गार्निश के लिए रखेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट रख लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी, लगभग आधा चम्मच ये मैंने इलायची पाउडर भी इसमें डाल दिया है। और ये गाजर का हलवा बनके तैयार है। आपको हलवा कैसा लगा बिना मावे और बिना घी का, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और जो वीडियो है उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसका बेल आइकन है उसे ऑल पे ज़रूर सेट करें, ताकि आगे भी मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो बता सकूं। धन्यवाद।